आज पूरे मुंबई के सरकारी हॉस्पिटल में हेल्थ वर्कर को कोरोना वैक्सीन दी गई, जिसमें कूपर हॉस्पिटल, शताब्दी हॉस्पिटल, कैंप हॉस्पिटल, जय जय बाबा हॉस्पिटल, कस्तूरबा हॉस्पिटल में डॉक्टर, वार्ड बॉय, नर्स, असिस्टेंट वर्कर जो कोरोना जैसी महामारी के दरमियान पेशेंट के लिए काम कर रहे थे। कई महीनों तक कोरोना कैपिटल रही मुंबई में कोरोना टीकाकरण के प्रथम चरण की तैयारी भगभग पूरी हो चुकी है। पूरी टीकाकरण के पहले दिन का ब्यौरा। सीएम उद्धव ठाकरे सुबह 10 बजे बीकेसी टीकाकरण केंद्र जाएंगे। पहले दिन 4000 स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविशील्ड का टीका लगाया जाएगा। पहले दिन सभी 9 बूथ पर सुबह 9 बजे से डॉक्टर्स की टीम मौजूद होगी। टीकाकरण के पहले और दूसरे दिन सिर्फ एक शिफ्ट में ही काम किया जाएगा। मुंबई के सभी 9 टीकाकरण केंद्रों पर कुल 72 बूथ बनाए गए हैं। हर टीकाकरण केंद्र पर एक मास्टर ट्रेनर, डॉक्टर्स, नर्स और असिस्टेंट और डायटिशियन होंगे। सोमवार यानी 18 जनवरी से टीकाकरण का काम 2 शिफ्ट में किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक और दूसरा शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक। सोमवार से टीकाकरण मुहिम को तेजी से पूरा किया जाएगा। सभी 9 सेंटर्स पर एक दिन में 12,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। कैमरा में शादाब के साथ स्पोर्टर अब्दुल समद शेख, 24 यस न्यूज। मैं अब्दुल समद शेख, आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज। आज पूरे मुंबई में कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है और आज पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पूरे मुंबई के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हेल्थ वर्कर्स को इंजेक्शन वैक्सीन दिया गया। जितने भी हॉस्पिटल में कोरोना के दरमियान काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स हैं उनको पहले चरण में वैक्सीन दी गई। वैक्सीन लेने वालों में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और हॉस्पिटल के स्टाफ है। इसी दरमियान कूपर हॉस्पिटल में कम से कम 500 लोगों को इंजेक्शन का प्लान था, जिसमें ज़्यादातर के लोगों ने वैक्सीन लिया। कूपर हॉस्पिटल में वैक्सीन लेने वालों में जय जय हॉस्पिटल, कैम हॉस्पिटल, शताब्दी हॉस्पिटल, बाबा हॉस्पिटल और अन्य हॉस्पिटल शामिल है। आप देखते रहिए 24 यस न्यूज़। कैमरामैन शादाब के साथ अब्दुल समद शेख, रिपोर्टर, मुंबई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख, आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज़। महाराष्ट्र में वैक्सीन आ गई है। कोरोना, आपको मालूम है कि दुनिया में कोरोना ने हिला दिया और महाराष्ट्र में आज ही से वैक्सीन स्टार्ट हुआ है और सबसे पहले गवर्नमेंट सर्वेंट कर्मचारी को वैक्सीन दिया जाएगा, उसके बाद पब्लिक के बीच में आएगा। तो आज बहुत सारे हॉस्पिटल में वैक्सीन दिया गया और कर्मचारी ने बड़ी तादाद में, डॉक्टर्स ने, नर्स ने, सभी स्टाफ ने, कर्मचारी ने वैक्सीन लिया है। आज ऊपर हॉस्पिटल के मैं एक स्टाफ से बात करूंगा, मिस्टर सलीम खान साहब से, जो यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने भी वैक्सीन लिए है। आइए हम उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। सलीम साहब, आपका 24 ईयर्स न्यूज़ में स्वागत है। महाराष्ट्र में वैक्सीन आ गया है और आज से सब हॉस्पिटल में कर्मचारी को वैक्सीन दिया गया है, वैक्सीन का प्रयोग हो रहा है। आपने वैक्सीन लिया? हाँ जी, आज सुबह 11 बजे जब मैं हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे ड्यूटी पे चला गया, बाद में हम लोग को एक SMS आया व्हाट्सएप पे, हमारे सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बासर, उन्होंने मैसेज भेजा कि भाई आप लोगों को आज COVID-19 का जो वैक्सीन आया है वो दिया जाएगा। तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का टाइम दिया गया था। मैं 11:49 को इंजेक्शन लगाया हूँ। उसके बाद में वेटिंग रूम में आधा घंटा हमको वेट करना पड़ा इंजेक्शन लगाने के बाद, ताकि कोई साइड इफेक्ट या कुछ प्रॉब्लम नहीं आया करके उस वेटिंग रूम में वेट करना पड़ता था। फिर उसके बाद में 12:25 पे हम लोग सब बाहर आ गए। बाकी वैक्सीन लगाने के बाद में ऐसा ज़रा भी कुछ फील नहीं हुआ है कि वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट या कोई इचिंग प्रॉब्लम। लोग कामों का खाली घबरा रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से ये तकलीफ होगी या फिर मर जाएगा। लोगों के दिमाग में बहुत नेगेटिव फीलिंग है इस वैक्सीन को लेकर।
लोग बराबर सहयोग कर रहे थे वैक्सीन लेने में, वैक्सीन आगे जा रहे थे। हाँ, हमारे यहाँ पे टोटल 500 लोगों को डॉक्टर सुपर हॉस्पिटल में 500 लोगों को वैक्सीन दी गई है, जिसमें अंधेरी के ईस्ट वार्ड के लोग, अंधेरी के वेस्ट वार्ड के लोग और हमारे सुपर हॉस्पिटल के जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर जो थे, उन लोगों को इंजेक्शन दिया गया और सारे लोगों ने इंजेक्शन लगाया, कोई भी रिफ्यूज नहीं किया है। इवन वो अपने घर से अपने हस्बैंड को, अपनी मदर को भी लेके आ रहे थे कि ताकि इनको भी इंजेक्शन मिल जाए, लेकिन ऐप से जिन लोगों का नाम रजिस्टर्ड है सिर्फ उन्हीं को इंजेक्शन दिया गया। ये थे कूपर हॉस्पिटल के स्टाफ मिस्टर सलीम खान, जिन्होंने बताया कि वैक्सीन लेना चाहिए और मैंने भी लिया है और मुझे सारे हॉस्पिटल में सारे कर्मचारियों को दिया जा रहा है। तो सलीम साहब का आपने वाइट सुना कि उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। मैं अब्दुल समद शेख मुंबई से, कैमरामैन साद आपके साथ मुंबई।